कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने की भी घोषणा की है, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसे में अब एमपी में इस पेंशन बहाली की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी पेंशन योजना लागू की जाए। इसके लिए कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस बजट सत्र में अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई तो 13 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा। कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तब वो पैसे नहीं निकाल पाते हैं। कर्मचारी संगठन को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर सदन में आवाज उठाई जाएगी, राजस्थान की तरह एमपी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो। उन्होंने कहा कि सदन से संसद तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी।